देखिए अभी तो मुहूर्त हुआ है तो इस मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा और ये मूवी क्या बनेगी कैसे बनेगी, लेकिन ये जरूर मैं बता दूंगा आप सबको कि अभी तक जितनी भी मूवी पाकिस्तान पे आई है और आने वाली है उससे बहुत बेहतरीन ये कहानी है। मैंने क्योंकि इस कहानी पे मेरा ही नज़र नहीं था, हमारे दुर्गा दादाजी का नज़र था, मैंने कोई ऐसा इंडस्ट्री का आदमी नहीं जिसकी नज़र इस कहानी पे नहीं थी, लेकिन ये प्रदीप भैया के हक में आई तो कहीं ना कहीं प्रदीप भैया लकी हैं कि ये कहानी उनको मिली। तो क्योंकि फिरोज जी की एक आत्मा है इस फिल्म में, अच्छे टेक्नीशियन है, और दुर्गा दादा ने मुझे याद है कि आज से 1.5 साल पहले दुर्गा दादा ने मुझे एक बात कहा था कि बेटा इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसमें वो हर खुशबू और हर वो मिट्टी है जो हमारे देहात और हमारे बिहार की कल्चर में होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस फिल्म से बहुत प्यार है और इस प्रोडक्शन से और इस प्रोडक्शन के हर वो जुड़े हुए आदमियों से सबसे मुझे बहुत प्यार है क्योंकि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं इस फिल्म का आज हीरो हूँ। नायिका कौन है आपके? नायिका डिसाइड प्रदीप सिंह जी करेंगे, इसके प्रोड्यूसर करेंगे, इसका डिसाइड मैं नहीं बता सकता कि कौन हो सकते हैं क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी फिल्में बनी स्टोरी को लेकर, हिंदी बॉलीवुड में खाली गदर थी, क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक फिल्में आ रही है। इंडिया में एक ही राम मंदिर थोड़ी है। लेकिन आप भी उसमें काफी हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान की जो मूवी बनी है। नहीं नहीं देखिए होता क्या है कि मंदिर तो बहुत सारे होते हैं, हम पूछते किसको है इस पर निर्भर करता है। बनने के लिए तो हर फिल्म बनती है लेकिन हमारी कौन सी फिल्म लोगों के दिल तक पहुंचती है इस पर निर्भर करता है। काम हर आदमी करता है, एक ही लाइन में है तो दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते, हम लोग को फिल्म ही बनाना है तो कहीं ना कहीं कौन बेहतर कर सकता है। यही शर्ट खेसारी लाल पहना है तो कितना अच्छा लग रहा है, यही शर्ट अगर हमारे दुर्गा दादा पहन ले तो कितना अच्छा लगेगा। तो शर्ट वही है, क्वालिटी वही है, सिर्फ बॉडी का फर्क होता है तो हम अपने बॉडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर करते हैं। बिजनेस अभी नहीं किया, अभी रिलीज होने वाला है। आप आतंकवादी रिलीज होने वाली है होली पे, और मेहंदी लगा के रखना जो मेरी आत्मा है, जो कि शायद मुझे लगता है कि भोजपुरी में ऐसा बाप नहीं मिल सकता जो अवधेश मिश्रा है, ऐसा बाप हो ही नहीं सकता सिनेमा के लिए। रियल बाप तो मेरे दुर्गा दादा है। होली पे मैं आतंकवादी लेकर आ रहा हूँ और एक आतंकवादी कैसे आतंक मचाता है, गरीब परिवार से होकर भी मजबूरियों को लेकर एक मास्टर का लड़का कैसे आतंकवादी बन जाता है, शायद उसका अंदाज़ा आप लोग आतंकवादी देखेंगे तो पता चलेगा। मेरे बहुत महंगी फिल्म है वो, और मैं एक बार उसमें आग में कूद भी गया था, 42 फीट से मैं जंप मारा और हार्नेस बीच में ही टूट गया, वो एक पेड़ पकड़ा गया तो सारे शॉट उसमें लगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी से मुझे बहुत विश्वास है, जिस तरह मेहंदी लगा के रखना से विश्वास हुआ, और मेहंदी लगा के रखना बहुत बड़ी एक हिट साबित फिल्म हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों का अच्छी फिल्मों का प्यार मिलता है तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी अच्छी फिल्म देखिए, चाहे वो खेसारी लाल की भी गंदी फिल्म हो तो प्लीज़ आप मत देखिए, गंदी गाना खेसारी गाया हो तो मत देखिए, अच्छी फिल्म चाहे जिसका भी हो जरूर देखिए, और आप सपोर्ट करेंगे तो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छा ही फिल्म बनाने का काम करेंगे। थैंक यू, लव यू।